सुप्रभात क्लास सिक्स, आप लोगों की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा से हम लोगों ने चार चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब है हमारा आज हम चैप्टर नंबर 5 यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले इसमें आप लोगों को संस्कृत पढ़कर बताऊंगी, फिर इसका मैं हिंदी अनुवाद करूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है भारत से तीर्थ स्थानम कन्या कुमारी, यानी कि जो भारत का जो तीर्थ स्थान है, भारत में जो तीर्थ स्थान है वो कन्याकुमारी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पाठ नंबर है हमारा 5। तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो ये तीर्थ स्थल दिखाई दे रहा है, ये आपका कन्याकुमारी का यहाँ बताया जा रहा है कि कन्याकुमारी में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं और कैसे है वो। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। भारतवर्षे बहूनि दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति, यानि दृष्ट्वा जीवनं पवित्रं भवति मनः च प्रसन्नः भवति। तेष्वेव तीर्थस्थानेषु एकं तीर्थस्थानम् अस्ति कन्याकुमारी। इदं तीर्थस्थानं भारतस्य दक्षिणे कोणे विराजते। देव्यः कन्याकुमार्यः सन्निधेन पवित्रमिदं तीर्थस्थानम् अरब सागर हिंद महासागराभ्याम परिवर्तम स्थानमिदं प्राकृतिक सौंदर्येण परिपूर्ण वर्तते। तत्र स्थात्वः सूर्योदयस्य सूर्यास्तस्य च दर्शनं द्रष्टुं शुक्रं भवन्ति पूर्णिमायां, तिथो तु सायं पूर्वस्यां दिशि चंद्रोदयः पश्चिम माया महा च सूर्यास्तम युगपदेव अवलोकयितुं शक्यते। तत्र पर्यटयितुं क्रीडितुं वा विस्तृततम समुद्रतटं वर्तते। समुद्रतटात् नाति दूरं स्थिते शिलातले निर्मितं स्वामी विवेकानंद स्मारकं सर्वथा दृष्टव्यं। तत् मंडपम नौकाया प्राप्यम भवति। लोक कल्याण प्रवर्तः स्वामी विवेकानंदः अस्माभिः सादरं स्मरणीयः, तेषां संदेशः गृहीतव्यः श्रोतव्यः च। तत्र सागर संगमे अवतीर्यः स्नातव्यं पुष्पाणि गृहीत्वा कन्याकुमारी मंदिरं गंतव्यं। सायंकाले समुद्रतटे शीतलं वायुः सेव्यः राष्ट्रस्य विविधभोग्यः समागते जनः सह वार्तालापः व्यवहारे च परस्परं मैत्री भवति। अनेन राष्ट्रीययैकताया भवान् वर्धते। एतत् एवं तीर्थाटनस्य सार्थकत्वम्। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर संस्कृत आप लोगों को पढ़ा दिए बच्चों। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करके बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमसे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही।